दुनिया का महान कबड्डी खिलाड़ी वह भी पूजा होया है। बहुत बहुत धन्यवाद है लो सामने भाई जी। बड़ी दुख वाली गल है कि कंडियाल की टीम के खिलाड़ी का कोई टी शर्ट लै गया चाके जिहड़ा कोई वीर भुलेखे नाल कोई लैके गया तो उन्होंने टी शर्ट दे दे उत्थे खड़ा है उन्होंने टी शर्ट दे दे। लो सामने हरप्रीत कोल भुलेखे वाली गल तो है नहीं जे फिर कबड्डी के प्लेयर की होंगे जे इन्होंने ये काम ना किया तो यह तो दसते हैं भी असं कबड्डी खेल के आह कम करते हैं अजक के प्लेयर का हाल आ शुक्र कर कच्छा नहीं चुक के लैके भी नंगा तुरै फिर हसते हैं सगो पास लगो देंगे रैफरी का फैसला टल होएगा ते पॉइंट इस समय हरप्रीत घोलिए दी टीम दे लई जोड़दा होया जो रैफरी फैसला करता बिल्कुल उहदा फैसला टल आ रैफरी दे नाल बिल्कुल किसे प्लेयर ने उलझना नहीं हथ बन के बेनती है। साडे सरदार दर्शन सिंह जी एस आई साहब ने जवानी दे पैर दे विच बल्ले बल्ले करवा दित्ती जिथे पंजाब पुलिस दे विच भी वड्डियां सेवावां आ रहियां लाओ सामने वरियां दी धरती दा गबरू इस समय कबड्डी कबड्डी करदा होया है के फड़ ले जदों लत्त घोलिया कहिंदे फिर छड़दा नहीं फड़ ले जे पट घोलिया कहिंदे फिर छड़दा नहीं। लाओ सामने घोलिए दी धरती दा गबरू इस समय झांजरा वाले गिट्टे तो कैद किया होया लाओ सामने समय दियां घड़ियां भी टिक टिक करदियां ने लाओ सामने चलदा है के खतरे दा घुग्गू बोल पिया ते बोंड इस समय घोलिए दी टीम दे खाते वे जोड़दा होया मेरे वल्लों ए जाफी नूं जिहने जफा लाया 100 रुपया मेरा वीर जांदा मैं इत्थों लिजा सकदा 100 रुपया मेरे वल्लों इहनूं इनाम दा जिहने मुंडे ने जफा लाया वैरी गुड 100 रुपया बलकार सिंह नंबरदार वालों इस स्टेज तो जांदा लिजा सकदा 100 रुपया मेरे वालों इस मुंडे नूं 100 रुपया बलकार सिंह नंबरदार वालों साडे खिडारी वीरां नूं बेनती है कि जिन्हें भी कोई भी रेडर का कच्चा बढ़िया है वह पॉइंट रेडर का होवेगा खिडारी भी नोट कर लेना। लाओ सामने इस समय डौले उत्ते शेर दा हाड़ा मारदा इस समय कबड्डी कबड्डी करता होया वेखो की बनता है की जुड़दा है कि भिड़दे ने साण वेखे सारा जग बई के मार मार तौला कढ़न गए अग बई के कौन किन्ने पानी विच अज पता जाना लग बई रोडे ते जलालपुर दियां टीमां भी तैयार है रोडे ते जलालपुर वैरोके ते बलखंडी टीमां जल्दी तो जल्दी ग्राउंड विच आउण। लाओ सामने वरियां दी धरती दा गबरू इस समय कबड्डी कबड्डी करता होया है के नंगे पिंडे ते जवानी इंज चमकदी है के जिवें चमकदा सोना सुनियार दा है के पता विच मैदान दे उदो लगू के केड़ा जितदा ते केड़ा हारदा है पता विच मैदान दे उदो लगू केड़ा जितदा ते केड़ा हारदा है ते पुआड़ इस समय वरियां दी टीम दे खाते वे जोड़दा होया एक कनी ते राजू सलहानी पिंडा हेज कबड्डी क्लब दे लई इंग्लैंड दी धरती ते बल्ले बल्ले करवाई। लाओ सामने इस समय गबरू कबड्डी कबड्डी करदा होया ते पुआड़ इस समय घोलिए दी टीम दे खाते भी जोड़दा होया चल भी नौजवाना पा कबड्डी। लाओ सामने ठंडे ठार पानी दी कुट पीती है इस समय कबड्डी कबड्डी करदा होया गबरू भाई जी कबड्डी ओपन दी रेट टरना है कबड्डी ओपन दी रेट टरना के खुलियां रेडा जी किवें जी किवें कबड्डी ओपन दे विच कबड्डी टर्न बाई टरना जां खुलियां ही है इक्की भा मारूगा जां ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਫਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਧ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਖ ਜਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੰਗੇ ਆਣੀਆਂ ਜੋਧਿਆ ਚੋਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜੇ ਅੰਬਰੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜੇ ਅੰਬਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਭਰੂ ਘੋਲੀਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਬਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜਤੀ के प्रवासी वीरां ने कर मेहनत एदी गुड्डी अंबरां ते चाड़दी के खान बर्गर पीजे ते करन शरीर दी केर मालका के रखी तू कबड्डी उते मेर मालका के रखी तू कबड्डी उते मेर मालका। कबड्डी ओपन दे विच खुल्लियां रेडां ने साडा वीर मनप्रीत दसदा है कि कबड्डी ओपन दे विच खुल्लियां रेडां ने चल भी नौजवाना पा कबड्डी लाओ सामने वरियां वाला गबरू इस समय कबड्डी कबड्डी करदा होया चल भी नौजवान लाई हथा नू कली
ते करू मौला भली जवानी रेड ते चली है चार जाफी घोलिए दी ताती ने जिथों दे गेले वर्गे दुनिया दे महान कबड्डी खिलाड़ियों विच नाम हुंदा है लाओ सामने चलता होया मुकाबला वेखो की बनता है समय दियां बातां होणगियां ते बिल्ला गालब दी धरती दा दादा ते पौड़ा समय वरियां दी टीम दे खाते भी जुड़दा होया है लाओ सामने हरप्रीत कोलिया पिंड है जिला मोगा लो सामने समय कबड्डी कबड्डी करता होया है के गबरू देश मेरे दे सोने चौड़िया हिका ते मनमोने आउंदे बिच मदाना दे लाओ सामने राजू सलहानी दी धरती दा के जीत या ख्याला बिच दिल खोया रहिंदा है के सुनिया नी राजू पिंड सलहानी बिच रहिंदा है इस नगर दे लई भी कबड्डी खेडी लल्या वाला सोनी कहते भी मेरा समा कोल करोड़ दे लई कबड्डी खेडी ओदा भी विशेष मान सम्मान होना अज इस नगर निवासियों वालों चल भी नौजवाना पा कबड्डी लाओ सामने वरिया वाला गबरू इस समय ठंडे ठार पानी की घुट पीती है इस समय कबड्डी कबड्डी करता होया है चार जाफी घोलिए दी धरती दे ने के गुरुआं सानू दिता है वरदान कबड्डी दा के पूजनी जोग हुंदा है जंग मैदान कबड्डी दा के हर एक मां दी इच्छा हुंदी है के बड़ा हो के मेरा पुत बन जे कप्तान कबड्डी दा हां जी हां साडे दरमियान सरदार मख्तियार सिंह जिसनू मिड्डी कहंदे आ साडा बहुत ही पुराना प्लेयर टू स्टेज ते पहुंच चुकिया असी उहदा इहनू जी आया कहंदे आ सरदार मख्तियार सिंह मिड्डी ए उह शख्स आ जिहड़ा उंगल ला के जाफी नू कह दिंदा मैं जाणा जे फड़ना तां फड़ ला खड़े नू छाल मार के टप जाणा ए जिन्ने कोड़ कोड़ दे सारे इहनां दे चेले आ ए मख्तियार सिंह मिड्डी जिहनू अज सन्मानित कर रहे आ उह साडे इत्थे स्टेज लागे पहुंच चुके आ साडे दर्शन सिंह जी इस हिसाब दस रहे ने दुनिया दा महान खिलाड़ी है मख्तियार सिंह जी मिड्डी अज विशेष मान सम्मान भी होना इस पावन पवित्र धरती ते चल भी नौजवाना पा कबड्डी लो सामने इस पिंड दी टीम ने पूरी दुनिया भर दे विच अपना नाम बना लिया लो जेड़े पिंड दे कहिंदे भी गीते वर्गिया ने सोनी वर्गिया ने इंग्लैंड दी धरती दे बल्ले बल्ले करवा दित्ती ते पूरी दुनिया दे विच अपने नगर दा नाम रोशन कर दिता साडा भी रुपिंदर जलाल वह भी पुजा होया उहदा भी इत्थे पुजण ते अगलियां मैच ते कबड्डियां पावेगा प्रसिद्ध कबड्डी कमेंटर अमना लोपो गुरचरण स्नेह जी मनदीप काली वाला ते राजमेर सिंह वाला लाओ सामने हरप्रीत कबड्डी कबड्डी करता होया वेखो की बनता है की जुड़ता है रहिंदा अगे मुड़ लो सामने चलता होया मुकाबला ते पॉइंट समय घोलिए दी टीम दे खाते भी जुड़ता होया चल भी नौजवाना पा कबड्डी लाओ सामने इस समय ठंडे ठार पानी की घुट पीती इस समय गबरू कबड्डी कबड्डी करता होया अगलियां टीमां भी जल्दी तो जल्दी ग्राउंड विच आउण रोडे ते जलालपुर रोडे ते जलालपुर तैयार रहन भी दोनों टीमां इस तो मैच तो बाद उस तो अगे वैरो के ते बलखंडी वैरो के वर्सस बलखंडी ये भी टीमां दोनों तैयार रहन लाओ सामने इस समय वरियां दी धरती दा गबरू कबड्डी कबड्डी करता होया लाओ सामने इस समय गबरू कबड्डी कबड्डी करता होया है लाओ सामने बोलिया होया तावा वेखो की बनता है की जुड़ता है के पिड़दे ने सान वेखे सारा जग बई के मार मार तौला कढ़ने की अग बई के कौन किन्ने पानी बिच अज पता जाना लग बई अज कौन किन्ने के पानी बिच है अज कोड़ करोड़ दी पावन ते पवित्र धरती है लाओ सामने कबड्डी कबड्डी करता होया है लाओ सामने घोलिया पिंड इस खिडारी दा के रब दा बनिया संगलां दे नाल के फकर आन छड़ावे के फकर दा बनिया धागे दे नाल के रब बिना आन छड़ावे के फकर दा बनिया धागे दे नाल रब बिना आन छड़ावे अज बड़ी अपार कृपा है बाबे रामदास जी दी लाओ सामने घेरन दी कोशिश करदा होया हल्की जी सट लगी है खिडारी दे सांभो जिस खिडारी नूं मूम स्प्रे ग्राउंड च पहुंच करो जी मूम स्प्रे चल भी नौजवान लाओ सामने इस समय गबरू कबड्डी कबड्डी करता होया है के गोल जिहा दायरा विच हंदे दो दिसदे के चढ़ जांदा चा जिथे खिडारी विच दिसदे जामा बलिहारे जी ने काड़े दी कढ़ी है के खेडणी कबड्डी यारो खेडणी कबड्डी है के जोर ते जवानी वाली इहो यारो खेड के एदे विच हुंदे ने साना वाले पेड़ ते पौण समय घोलिए दी टीम दे खाते भी जोड़दा होया असी बाबा गुरदेव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कबड्डी ओपन का पहला नामा 52,000 रुपये के नाल विशेष मान सम्मान देने ने बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा जी का लो सामने हरप्रीत की कबड्डी के पौड़ समय घोलिए की टीम के खाते भी जुड़ता हुआ है इसे ना मैं समाप्त घोलिए की टीम जेतू जी नोट कर लो घोलिया
ਟੋਡੇ ਵਰਸਸ ਜਲਾਲ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੈਰੋਕੇ ਵਰਸਸ ਬਲਖੰਡੀ ਵੈਰੋਕੇ ਵਰਸਸ ਬਲਖੰਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਵੱਜੂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਘੱਟ ਹਾਂਜੀ ਜੈਤੋ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਜੈਤੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਚ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਤਾ ਇਹਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਚਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫੇਰ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੜਾ ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ 10:30 ਤੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ ਬੋਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੂਗਾ ਪੂਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਉਰੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਲਿਆ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੋ ਬਈ ਇੱਕ ਵੇਖ ਬੋਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਥੋਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਆ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੀ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਖੇੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤੂਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਤੇ ਉਧਰ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਅਨਾਉਂਸਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਆਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਿਓ ਮਾਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਜਾਫੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰ ਹਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਹੈਪੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੋਦਲ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਦੇਊਗਾ ਇਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਬਜਾਈ ਕਰ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਗਲੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੈਰੋ ਕੇ ਵਰਸ ਜਬ ਲਖੰਡੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਣ। ਲਓ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚਰੀ ਲਾਗੇ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। चल भी नौजवाना पाग लेरी कबड्डी जलालपुर ते रोडे वर्ष बहुत ही वधिया मुकाबला चल रहा है। अगलेरे मुकाबले लई वैरो के वर्ष च बलखंडी दोनों टीमां तैयारी खिच के ग्राउंड लागे पुजन। लो जलालपुर दी तरफो हैप्पी दी पाई हुई कबड्डी। वैरो के वर्ष बलखंडी दी दोनों टीमां तैयार रहन। वैरो के वर्ष बलखंडी उस तो अगे सरावां वर्ष फतेहगढ़ कुरोटन, सरावां वर्ष फतेहगढ़ कुरोटन भी तैयार रहन। लो फिर रोडियां दी तरफो इकबाल सिंह कबड्डी पा रहे हैं। रोडे नगर 20वीं सदी दे महान सिख संत संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वालिया दा जद्दी नगर, उस नगर दा इकबाल सिंह कबड्डी पा रहे हैं। अगे जलालपुर पिंड दे चार जाफी पूरी तैयारी दे विच देखदे किस गभरू दे नाल मुकाबला हुंदा है। 30 सकेंडां दी कबड्डी, कुछ पल बीत गए, कुछ बीतन वाले है। दोनों खिडारी संघर्ष करते हुए पर पॉइंट जलालपुर दी टीम दा, पॉइंट जाफियां दा। पा नौजवाना अगलेरी कबड्डी, लो देखते हैं जलालपुर दी टीम दा गभरू कबड्डी पाउण लई अगे वाधा होया। जिथों दे पाले दी पूरी दुनिया जानदी है, लो खेड मैदान विच सिखी स्वरूप विच गभरू दा बोलिया होया धावा। कहंदे सिख सरदार मुंडा बबली चड़िकदा, कहंदे ते कहौंदे धावियां दे नाल मिकदा। गुट दा फड़ाक गीता कोट करोड़ दा, लगे ना अंदाजा भुगी पूरी ए दे जोर दा, लगे ना अंदाजा भुगी पूरी ए दे जोर दा। पा नौजवाना गलेरी कबड्डी, सुखमंदर सिंह पूरा नौ ते प्यार दे नाल मंदर कहंदे आ, जद्दी पिंड रोडे ते कबड्डी पै चुकी है। देखदे खेड मैदान विच जलालपुर पिंड दे चार जाफी लो ट्राई कीती है ते वेखदे आ, पर पॉइंट जाफियां दा, सफलता जाफी दे कदम चमदी हुई। अगलेरे मुकाबले दीआं टीमां तैयारी खिच के ग्राउंड लागे पुजण। वैरो के वर्ष च बलखंडी, सरावा वर्ष च फतेहगढ़ कोरोटाणा, चारों टीमां वार्म अप होके ग्राउंड दे लागे पुजण। लो फिर खेड मैदान नाल जुड़दे हैं जलालपुर पिंड दा हैप्पी, अगे रोडे पिंड दे चार जाफी। देखदे किस गभरू दे नाल मुकाबला सख्त हुंदा है। 30 सकेंड दी कबड्डी, कुछ पल बीत गए, कुछ बीतन जा रहे हैं। लो मुकाबला खतरनाक दोनों खिडारियों दरमियान, पर हल्के संघर्ष तो बाद पॉइंट जलालपुर दी टीम दे खाते एडजस्ट हुंदा होया। पा नौजवान अगलेरी कबड्डी, कहंदे सिख पंथ दी सेवा कर ना रोडियां दा चमका गया, फड़ सच दा पल्ला भिंडरा वाला धुम्मा दुनिया विच पा गया। ऐसियां विलखण पैड़ां पाईयां के सिखां दा रोल मॉडल कहला गया। कहे सुखराज रोडे पंजाब ते सिख कौम है छेरां दी, दुनिया नूं इक वार फिर याद करवा गया। कहे सुखराज रोडे पंजाब ते सिख कौम है छेरां दी, दुनिया नूं इक वार फिर याद करवा गया। उसे भिंडरा वाले संतां दी जम्मण पोए रोडे, उसे नगर दी टीम। लो देखदे जलालपुर पिंड दा गभरू कबड्डी पा रहा। लो मुकाबला सख्त दोनों खिडारियों दरमियान, एक पासे रोडे पिंड दा बाजा, जलालपुर पिंड दा धावी मुकाबला सख्त है। देखदे हत्था चों निकलदा गभरू पॉइंट लेके अपने पाले वापस परतदा होया। नौजवाना पागलेरी कबड्डी, सुखमंदर सिंह मंदर दी बोली हुई कबड्डी। अगे जलालपुर पिंड दे जाफी पट्टां दे थापियां मारदे ने, कहंदे खड़े मारन थापियां बई तोची लखा जवारा लाली, लोकी गल्ला करन खड़े पीमा मंदर मुड़ना खाली। ओ वेली है भज तुरिया जीते मोड़ ना पंगा पाके, सिंह फस गए कुंडियां दे मित्रो बह जो गोडी लाके, सिंह फस गए कुंडियां दे मित्रो बह जो गोडी लाके। पा नौजवाना अगलेरी कबड्डी, लो सिखी स्वरूप दे विच पतला पतंग शरीर गभरू दा पाई हुई कबड्डी। आ ट्राली वाले स्टेज ते पहुंची हरी। अगलेरे मुकाबले दीआं दोनों टीमां जल्दी तो जल्दी वार्म अप होके ग्राउंड दे लागे पुजण। अगलेरे मुकाबले दीआं दोनों टीमां, लो खेड मैदान विच इकबाल सिंह दी पाई हुई कबड्डी। जलालपुर पिंड दे चार जाफी पूरी तैयारी दे विच।
कहिंदे चुंग बूरियां बनाए असी गुंदवें शरीर ऐडी हिक मित्रां दी पार होना नहीं ओ तीर बाबे दी वाही ओट हथ दे जिथों लंघदा जांदा ए धूड़ा पटदा जी हौसले बुलंद जट दे जिथों लंघदा जांदा ए धूड़ा पटदा जी हौसले बुलंद जट दे। हल्के संघर्ष तो बाद पॉइंट लेके गभरू अपने पाले वापस परते है। लो खेड मैदान में जलालपुर का गभरू फिर कबड्डी पा रहा। रोडे पिंड दे चार जापी देखते किस गभरू नाल मुकाबला सख्त होंदा। कुछ पल बीत गए कुछ बीतन वाले लो मुकाबला सख्त है पर पतले पतंग शरीर का मालिक पॉइंट लेके अपने पाले वापस परता होया। चलते हुए मुकाबले दे विचों जलालपुर की टीम बाजी मार गई है। प्रबंधक वीर नोट कर चलते हुए मुकाबले की विनर टीम जलालपुर। हरी ओ जलालपुर स्टेज ते पहुंचे ट्राली वाले स्टेज ते। हरी सानू प्लेयर भीर ना तंग ना करन इधर दी रास्ता प्लेयर दा नहीं। प्लेयर उभर दी आउण जाण जे कामां तों स्टेज ते उधर चले जाण स्टेज ते जाणा दा इधर दी रास्ता प्लेयर दा नहीं गा। इत्थे सिर्फ साडे कार्ड वाले बंदे एंटर करनगे। हथ बन के बेनती प्लेयर साहिबां नूं कि सिक्योरिटी नूं तंग ना करन। इह उपर दी जा सकदे आ इह उधर साडे ट्राली ते स्टेज लगी आ। कोई तकलीफ उधर कोई भी चीज़ हैल्प उधर लै सकदे। जिहड़ा मुकाबला हुण शुरू होण जा रहा है वैरो के वरसज बलखंडी पर हुण मैक ते कबड्डी पाउण लई रुपिंदर जलाल दा जसवीर ने पल्स वर्ल्ड कबड्डी कप दे विच भी अपने बोलां दे नाल दर्शकां नूं स्रोतियां नूं मंत्र मुग्ध कीता है। जलाल पिंड दा रुपिंदर अपने बोलां राही दर्शकां नूं मन की लेगा। लो अगली गल रुपिंदर जलाल दा। अगलियां टीमां सरावां फतेहगढ़ कुरुटाणा सरावां फतेहगढ़ कुरुटाणा दोनों टीमां अपने पॉइंट ते पहुंचन। सरावां वर्सस फतेहगढ़ कुरुटाणा तैयार रहन दोनों टीमां बॉक्स दे विच। अगे एक मुंडे दी टी शर्ट चक ली मेहरबानी करके टी शर्ट ना चको। ये नहीं आपां हाथ पाउणी यार छड्डो हुण बहुत पा लईआं सुधारो अपने आप नूं। हुण तुसीं बाहरले देशां च खेडण जाने आ उत्थे जे चकदे फड़े गए तां बहुत बेइज्जती हुंदी है। हलो पंजाब दी धरती गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती है। कोट करोड़ पिंड कहिंदे ने भी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दा मन्निया परमन्निया पिंड है। जिस नगर दे विच अज बरखंडी केड़े पासे आ जी हां बरखंडी स्टेज वाले पासे ठीक। जिस नगर दे विच कहिंदे अज अठवां शानदार कबड्डी टूर्नामेंट धन धन बाबा रामदास जी प्रबंधकी कमेटी उन्हां महापुरशां दी याद दे विच संत बाबा महेश मुनि जी की याद विच मेरे वीरों करवाया जा रहा है कि खेडां विचों खेड कबड्डी शान पंजाबियों दी इस दे विच ही वसदी लोको जान पंजाबियों दी विच मैदान दे पिड़ना हुंदा कम दलेरां दा खेड कबड्डी खेडना शौक पंजाबी शेरां दा खेड कबड्डी खेडना शौक पंजाबी शेरां दा। अज सारे ही दर्शक वीरां दा सारे ही सहयोगी वीरां दा जिन्होंने एक रुपये तो लैके हजारां रुपये तक इस कबड्डी टूरनामेंट नूं करवाउण दे लई माण दित्ता है सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। बहुत तगड़ा मुकाबला जिहड़ा इस वेले खेड मैदान दे विच खेडा जा रहा है। एक पासे कहिंदे वैरोके पिंड नंजी वैरोके दा अपने समय दा महान कबड्डी खिडारी होया है और दूसरे पासे कहिंदे बलखंडी पिंड मेरे वीरो किसे जान पहचान दा मुहताज नहीं। भारी शरीर है नौजवान धुसदे ही आउंदा पॉइंट लैके वापस अपनी टीम दे लई। अजमेर सिंह आलम वाली आ फैसला करदा भी पॉइंट जिहड़ा इस वेले रेडर दे हिस्से जा जुड़िया है। चल भी नौजवान पा भी गभरू आ कबड्डी वैरोके वल्लों कहिंदे इस वेले टेक धरती मां नूं मत्था कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वधिया होया है। पूरी दुनिया देख रही है अज इस कबड्डी टूरनामेंट नूं मेरे वीरो क्योंकि कोट करोड़ पिंड पहले दिनों तो मेरे वीरो वधिया खिडारी पैदा करने विच माण हासिल होया है वधिया टूरनामेंट करवाउण दे विच माण हासिल होया है। उधर स्टेज तो सेवावां अपने समय के महान कबड्डी खिडारी सरदार दर्शन सिंह जी कहिंदे पंजाब पुलिस दे विच भी सेवावां ने अज माइक तो सेवावां दे रहे हैं बहुत बहुत धन्नवाद है। मैं जद ग्राउंड दे विच आया ते सच्ची बोली बोलदे है पहला भी सच्ची बोली बोली है हुण भी मेरे वीरो बहुत बहुत धन्नवाद है। खेड कबड्डी दे बाबत जिहड़ियां गल्लां इन्हां ने कहियां ओ सच है पर आपां खेड मैदान दे विच देखीए मेरे वीरो पई हुई रेड ते उधर हल्का जिहा टच लै भी साउंड वाले बाई थोड़ी जिहड़ी इको घटा लै ताकि जिहड़ी सारी संगत नूं आवाज
जी चंगी तरह समझ आ सके, कमेंट्री चंगी तरह समझ आ सके, थोड़ी ईको जी घटा दी जाए। सरावा वर्ष फतेहगढ़ कोरोटाणा दी टीमां अगले मुकाबले बिना किसी देरी से खेड मैदान आनगियां। सरावा वर्ष कोरोटाणा दी टीमां फतेहगढ़ कोरोटाणा यह दोनों टीमां जानी दे बिना किसी देरी के ग्राउंड आन। संत महेश मुनि जी क्लब बघेले वाला चंद बाजा, मेहर सिंह वाला खोसा रणधीर, कसोवाणा ते पुट्टो क्लब कोट करोड़, ये सारिया टीमों असी बेनती करते हैं भी ग्राउंड के लागे रहन, किसी भी टीम का कोई इंतजार नहीं किया जाना। जब भी मैच बोलिया जाता वो टीम जल्दी दे नाल खेड मैदान पुज जाए। लो भारी शरीर है, फड़िया हुआ गुट है, कदे गिट्टा फड़दा कदे गुट फड़दा, गल वखरी मेरे वीरे खेड़ कबड्डी की। उट की मां मिट्टी की धूड़ हुण कहिंदे गल कसूती जापदी है, पॉइंट किहदे हिस्से जुड़ना है, यह तो 30 सैकंड की कहिंदे स्टॉप आज दसेगी जां साढ़े रैफरी साहब दसणगे भी पॉइंट जिहड़ा इस वेले जाफी के हिस्से जा जुड़िया है, पॉइंट कहिंदे वैरोके की टीम के हिस्से जा जुड़िया है। नंजी मैं पहला भी दस्सिया भी अपने समय का महान कबड्डी खिडारी होया सरदार साधु सिंह बराड़, डीपी पत्तो वाले का पिंड भी कहते अज भावे पत्तो के नाँ के नाल मशहूर है, पर वैरोके पिंड मेरे वीरो उन्होंने जद्दी पिंड है। लो खेड मैदान पई हुई रेड, इस वेले वेखदा भी सिख सरदार खिडारी कि जिथे बड़े बड़े होए पलवान भी बड़ी उच्ची है पंजाब की तान भी, जिथे पैंती है कबड्डी होंगे घोल मित्रो भी है नी रंगले पंजाब जिहा होर मित्रो, नवे है नी रंगले पंजाब जिहा होर मित्रो। अज कहिंदे पंजाब दी कोई रीस नहीं कर सकता, पर अज पंजाब दे विच थोड़े माड़े दिन आए हुए ने, नशियां दा दरिया वग रहा मेरे वीरे, इन्हां दरियावां नूं आपां ठल पाउणी है। आओ आपां खेड कबड्डी की गल करिए, इस वेले पॉइंट रेडर दे हिस्से जा जुड़िया है कि रेडर दे लई भाज जरूरी, जाफी दे हथ पक्के, जाफी उही मन्निया जावे जिहड़ा उड़दी रेड नूं नप्पे, जाफी उही मन्निया जावे जिहड़ा उड़दी रेड नूं नप्पे। सरावां ते फतेहगढ़ कोरोटाणा दीआं टीमां अगले मुकाबले दे लई बिल्कुल तैयार वर तैयार रहणगीआं बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे लागे रहण। सरावां वर्सज फतेहगढ़ कोरोटाणा। करमजीत सिंह जी कम्मा अपने समय का प्रसिद्ध कबड्डी खिडारी होया, कहिंदे चूड़ चक पिंड दा, भावे बंत गोलू की गल है, भावे स्वर्ण वैली की गल है, भावे पप्पू होना की गल है, मेरे वीर चूड़ चक मंत्रियों की धरती है। करमजीत सिंह कम्मा उस कबड्डी खिडारी का टूरनामेंट प्रबंधक कमेटी, धन धन बाबा रामदास जी प्रबंधक कमेटी मेरे वीर पिंड कोट करोड़ कलां विशेष तौर पर मान सम्मान कर जा रही है, उन्होंने भी असं धन्यवाद करते हैं। स्टेज पर बैठे हुए अपने समय के महान कबड्डी खिडारी, इस नगर के पतवंत सज्जन, इस इलाके दियां मानयोग शख्सियत, सारे का बहुत बहुत सत्कार है, आदर है, जिन्होंने इस कबड्डी टूरनामेंट करवाने के लिए वध चढ़ के सहयोग दिए है। लो शरीर गुंदमा हुण कहिंदे वेखना भी नौजवान दे विच फुर्ती किन्नी क है, यह समा दसेगा मेरे वीरो। ला के पासे मारिया ते पॉइंट लैके वापस गया अपनी टीम के लिए, वैरोके का नाम चमका दिता है इस नौजवान गभरू ने मेरे वीरो। आने वाले समय के वधिया आसा ने इस खिडारी तो भी आने वाले समय के खिडारी विदेशों की धरती की सैर करेगा। लो सामने जे रंग वाला कबड्डी पा रहा है, हुण कहिंदे धूड़ उड़ गई है, चारां जाफियां ने कहिंदे इस वेले ब्यौतबंदी बना ली है, ते कन्नी वाला कहिंदा हुण मैनूं छड्डो, मैं तो हथ करदा इस कबड्डी खिडारी नाल मेरे वीरो, यह गल समय दी है। ते पॉइंट जिहड़ा इस वेले रेडर के हिस्से जा जुड़िया है, पॉइंट कहिंदे ने भी बलखंडी की टीम के हिस्से जा जुड़िया है। सरावां ते फतेहगढ़ कोरोटाणा दीआं जेकर टीमां पुज्जियां तां इक वारी हथ खड़ा करके सानूं दस देण, बहुत बहुत धन्नवाद है। उधर डाक्टर साहब कहिंदे ढीमा वाली ते कबड्डी कप का सद्दा लैके पुज्जे है, 28 तरीक नूं दुनिया के महान कबड्डी खिडारी बाबा फकरदास जी की धरती मेरे वीरों ढीमा वाली की धरती से खेडणगे, सारे खिडारियों नूं खुला सद्दा है। आओ आपां खेड मैदान दे विच गल करिए चलते हुए मैच की, चल भी नौजवान पा भी गभरू कबड्डी, नाल ही संत महेश मुनि जी बघेले वाला ते चंद बाजे दीआं टीमां जिहड़ियां वह भी तैयार रहन। संत महेश मुनि जी क्लब बघेले वाला वर्ष चंद बाजा, ये टीमां तैयार रहनगियां। अज उन्हां महापुरशां दी याद विच मेरे वीरो कबड्डी टूरनामेंट हो रहा है कि साधु संत फकीर खुदा दे असली मर्द सियाने, जेड़े मुँह चो वाक निकल गए वह विरथे नहीं जाने, जेड़े मुँह चो वाक निकल गए वह विरथे नहीं जाने, जेड़े कहिंदे अपने पुरखियां नूं याद रखते हैं, जेड़े बजुर्गों नूं याद रखते हैं, उन्हां दा नाम मेरे वीरो पूरी दुनिया दे विच हुंदा है। आओ अज ये नगर भी पूरा फिरोजपुर नगर कहिंदे ने भी एरिया जिहड़ा है
ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 1.com ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਉਧਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਐਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ 41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭਿੰਦਾ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੋਕੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ 11 ਹੈ ਤੇ 9.5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਲਖੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੋਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੈਰੋਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਓਪਨ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 71,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 72 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਖੋਸਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਬੱਡੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ ਪੰਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਦੇਵ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੀ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। 10.5 ਤੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। 10.5 ਤੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਕੇਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਹੇਸ਼ਮੋਣੀ ਕਲੱਬ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲਓ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੋਟੀ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਹ ਖੜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਭਾਵੇਂ
अज दे मुख्तियार सिंह मिट्टी नूं पुछ लईए जां फिर कहिंदे दर्शन सिंह एसआई उहनां नूं पुछ लईए नछत्तर सिंह एसआई उहनां नूं जरनैल सिंह उहनां नूं मोहन सिंह उहनां नूं कहिंदे जिन्हां ने अपने समें दे विच कबड्डी खेडी है ओह लक्ष्मण घल कलां वाले नूं जरूर जाणदे होणगे क्योंकि लक्ष्मण भी अपने समें दा मेरे वीर रुस्तम कबड्डी खिडारी रहा है। इन्हां कबड्डी दे खिडारियां दा मैं हर एक टूरनामेंट दे जिक्र करदा हुन्ना जो पुराने कबड्डी खिडारी है चाहे वह किसी भी पिंड दे है उन्हां दा सत्कार करना बनता है जिन्हां ने कबड्डी रोड़ियां तो चक्की है। अज मेरे वीरो चाहे कबड्डी स्टेडियम का शिंगार बन गई है चाहे इंडोर स्टेडियम खेडी जाने लग पी है चाहे कनेडा पुज गई है चाहे इंग्लैंड पुज गई है चाहे अमरीका पुज गई है मेरे वीरो पर आपां सत्कार करना बनता है उन्हां कबड्डी खिडारियों का जिन्हां ने रोड़ियां ते कबड्डी खेडी है जिन्हां ने तौलियां ते कबड्डी खेडी है गिलासां ते थालां ते कबड्डी खेडी है उन्हां दा सत्कार करना मेरे वीरो बनता है। लो खेड मैदान दे विच आपां वेखीए सरामा फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का पिंड है सुखवीर सरामा का पिंड है जिन्हों दो बार माण मिलिया भारतीय टीम की कप्तानी करन दा दो बार उस खिडारी की कप्तानी दे विच भारतीय टीम ने मेरे वीरो कप जितया है पंजाब का। पर आप खेड मैदान दे विच देखिए फतेहगढ़ कोरोटाणा काके का पिंड है कहिंदे प्रसिद्ध कबड्डी खिडारी का पंजाब पुलिस वालों भी सेवावां दित्तियां है। आओ आप खेड मैदान दे विच देखिए सरामा वाला ते फतेहगढ़िया दोनों खिडारी इस वेले भिड़दे होए मेरे वीरो एक पासे कहिंदे शरीर फिट है हुण कदे गुट फड़न की कोशिश करता है कदे मेरे वीरो एक नाल जफा लाने की कोशिश करता है तो पॉइंट जिहड़ा इस वेले जाफी के हिस्से जा जुड़े पॉइंट सरामा की टीम के हिस्से जा जुड़े। अगला मुकाबला संत महेश मुनि जी क्लब भगेले वाला चंदबाजी दी टीमां जिहड़ियां दोनों टीमां तैयार रहणगियां संत महेश मुनि जी कहिंदे पंजाब दे विच ते मेरे वीरो पंजाब तो बाहर गऊ गरीब की सेवा की है जो गऊ गरीब की सेवा करता है वह मेरे वीरो रब ही हुंदा है और गऊ गरीब की सेवा की है संत महेश मुनि जी बोरे वाले महापुरशा ने यहोजे महापुरशा के जिन्होंने दर्शन किए हैं वह कहते तर गए ने। लो आप खेड मैदान देखिए एक पासे मुकाबला फिर सख्त हो चुका नवे खिडारी है एक बार फिर बेनती करते सारी संगत तो माफी चाहते हैं थोड़ी ना दसण दे विच प्रॉब्लम आती है अगले राउंड दे भी तुहाडी जिहड़ी मुश्किल हल कर देवांगे। लो सरामा वालों कबड्डी जिहड़ी पै चुकी है फरीदकोट ते कोटकपुरा कोटकपुरे दे लागे कहिंदे ढिलवां दे लागे सरामा है ते दूसरे पासे मेरे वीर फतेहगढ़ कोरोटाणा धर्मकोट दे लागे है। अगले मुकाबले दीआं टीमां संत महेश मुनि जी क्लब भगेले वाला ते चंदबाजे दीआं टीमां जिहड़ियां जल्दी दे नाल बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे विच आ जाण संत महेश मुनि जी क्लब भगेले वाला ते चंदबाजे दीआं टीमां बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे विच पुज्जण। लो मुकाबला दोनों खिडारियों के दरमियान है उधर 30 सैकंड कहिंदे ने भी पहला विचाले साडा एक भाई खड़ा हुंदा सी पर वह जिहड़ा सिस्टम है खत्म कर दिता है ये वैबसाइट वाले वीर ने अज के हर एक पिंड सामने सारी संगत को पता लग जाता है भी किन्ने क सैकंड बीत गए हैं किन्ने क बाकी है मेरे वीरो एक पल पल की जिहड़ी खबर है साडे विदेशां दे विच बैठे वीर वह अपने अपने पिंडां दे टूरनामेंट की कर रहे हैं भावें वह पंजाब का कोई भी टूरनामेंट है हर एक टूरनामेंट लाइव दिखाया जाता अज का कबड्डी टूरनामेंट पंजाब लाइव वन मेरे वीरो कबड्डी .com है वह दिखा रही है कोई कबड्डी 365 .com से दिखाता है कोई मालवा टीवी .com से दिखाता वक्खो वक्खरियां वैबसाइटा मेरे वीरो बनिया हुई हैं एक कबड्डी की सेवा करने के लिए इन्होंने वीरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लो खेड कबड्डी उधर कहते मुकाबला सख्त हो चुका है बिल्कुल डी के दरमियान कैंची वज गई है हुण कहते लाओ अंदाजे भी कि हिस्से पॉइंट जुड़ना है ये गल समय की हो जानी मेरे वीरो गल समय की है भी पॉइंट कि हिस्से जुड़ जाना है जाफी ने भी आत्म विश्वास के खिंची मारी है पर कहते ने भी पॉइंट जरा इसलिए रेडर के हिस्से जा जुड़े पॉइंट रेडर का ओपन दिन टीमों लास्ट कला जी भी टीम एंटर होने वालों रही एंटर हो जाए आगे इस तो बाद एंट्रियां बंद कर दी मिनट दिता जाए वो तो वह चल भी सरामा वाले पा भी कबड्डी नौजवान है सरामा की धरती मेरे वीरों किसी जान पहचान का मुताज नहीं इस वे पॉइंट जरा नौजवान गभरू रेडर के हिस्से जा जुड़े नाल संत महेश मुनि जी क्लब भगेले वाला चंदबाजे दीमा जिड़िया इस तो अगले मुकाबले के लिए तैयार रहन संत महेश मुनि जी क्लब भगेले वाला चंदबाजे दीमा बिना किसी देरी से यह ग्राउंड के लागे रहनगिया आप इन्होंने टीमों का मैच करवावे। लो उधर बाबा जी एक कहते बाबा शिंदर सिंह हरदासे वाला पुजे है एक आ सामने बाबा जी है मैं हजूर साहब की धरती से पिछले 3 साल तो जाना मेरे वीरो कबड्डी कप के कमेंटरी करने के लिए उत्थे भी पुजते हैं अज पंजाब की धरती है अज इत्थे भी पुजे है ये सेवा कहते भाई कन्हैया जी वाली सेवा यह विरले नूं मिलती है किसी विरले नूं मिलती है। लो चलता हुआ मैच समाप्त हो चुका है
ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਲੱਬ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਸੇ ਜੀ ਚੰਦ ਬਾਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ खोसा रणधीर मेहर सिंह वाले टीम बिना किसी देरी से ग्राउंड दे विच आ जान। खोसा रणधीर मेहर सिंह वाले टीम बिना किसी देरी से ग्राउंड दे विच पुजणगियां। इन्हां दा मुकाबला जिहड़ा खेड मैदान दे विच खेडा जाना है। उधर राजू चंदबाजे वाला इस इलाके का खिडारी है, वह भी अपनी टीम लैके पुजया है। हरमीत होनी 18 तरीक नूं कहिंदे शकूर की धरती से कबड्डी कप होने जा रहा है। सारी संगत नूं खुला सद्दा है। शकूर की धरती 18 तरीक नूं 8 अकैडमियां जिहड़ियां खेडणगियां, लखवीर सिंह होनी, महेंद्र सिंह होनी, गुरदेव सिंह होनी, मेरे वीर आप सब नूं सद्दा दे रहे हैं। नाल ही 20 सितंबर पिंड गुलाम पुत्रा जिला फिरोजपुर की धरती उस कबड्डी कप के भी आप सब बेनती है भी पुज के आप रौनक वाधे करने हैं। गुलाम पुत्रा ते नाल 26, 27 ते 28 तरीक ढीमा वाली फरीदकोट का है, जिथे 28 तरीक न अकैडमिया खेडनगियां पंजाब कबड्डी अकैडमीज एंड एसोसीएशन मेरे वीर जिस कबड्डी कप के खेडेगी पंजाब दी 8 नामवर अकैडमिया जिहड़ियां खेडनगियां आप सब नूं बेनती है 26, 27 ते 28 तरीक न ढीमा वाली जिला फरीदकोट के पुजना है। 40 साल तो उपर के जिहड़े बाबे है, बाबे तो नहीं कह सकते खिडारी आख सकते हैं, उन्हों का जोड़ा मैच है ठीक 3 बजे करवाया जाएगा। वो आप अपने मैच जोड़ा नोट कर लैन खिडारी 40 साल तो उपर का जोड़ा मैच होना है वो ठीक 3 बजे करवाया जाना है। ये साढ़े मेरे वीर नोट कर लैन। लो दर्शक भीर नोट करे चंदबाजे की टीम जी पहुंच चुकी है इधर स्टेज वाली साइड तो बघेले वाले की टीम संत महेश मुनी जी क्लब बघेले वाला खेतों वाली साइड नारा बघेले वाले का कहते पॉइंट लैके वापस गया अपनी टीम के लिए। अंबी एंड अमना इंटरनेशनल कबड्डी क्लब मोगे की टीम वालों खेलता मखण सिंह चड़ेके की टीम वालों आ खिडारी कहते 18 तरीक न बुलेट मोटरसाइकिल दिता जाना है। मेजर भलूर वालों, करमपाल सिद्धू वालों, मेरे वीर लंडेके वाले वालों, यह है शकूर वाला हरमीत कनेडा भी खेड़ा है नौजवान खिडारी पॉइंट लैके वापस गया। हाँ जी हेलो जंटा क्लब मैंबर इधर आवे स्टेज ते भाई जंटा लो दूसरे पासे आप फिर देखिए खेड मैदान पैन जा रही है। लो अगला मुकाबला जिहड़ा खेडा जाना खोसा रणधीर ते मेहर सिंह वाले दी टीमां दे दरमियान खेडा जाना है। यह भी दोनों टीमां तैयार होकर खेड मैदान दे लागे पुजन। खोसा रणधीर ते मेहर सिंह वाले दी टीमां बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे लागे पुज जाणगियां। इधर कहिंदे बघेले वालियां ने जफ्फा ला दिता है, मेरे वीरो बघेले वाला भी किसी जान पहचान का मुहताज नहीं कि लथ जांदी भुख वेख गुंदे हुए शरीरां नूं चुमदी है जित पैर आ के अखीरां नूं बेट मार दे जिमां दे विच खड़ के होण मजबूत हड्डियां लाउंदे मेहनत खुराकां खा के खुल्लियां मारदे आ मल्लां वड्डियां लाउंदे मेहनत खुराकां खा के खुल्लियां मारदे आ मल्लां वड्डियां। हुण कहिंदे नारे दी कबड्डी जिहड़ी पै चुकी है मेरे वीरो बघेले वाला पिंड है उधर कहिंदे नाओ जांदा चंदबाजा पिंड है मुकाबला सख्त हो चुका है ते पॉइंट जिहड़ा इस वेले नारे बघेले वालिए दे हिस्से जा जुड़िया है। अगले मैच की टीम मेहर सिंह वाला ते दूसरे पासे खोसा रणधीर ये भी दोनों टीम तैयार रहन मेहर सिंह वाला ते खोसा रणधीर। एक बेनती है जो पार्किंग बाहर लगी हुई है उस पार्किंग का प्रबंधकी कमेटी के नाल कोई संबंध नहीं है। जो मेरे वीर उत्थे मोटरसाइकिल गड्डियां खड़ा रहे आप अपने रिस्क से खड़ाउण। लो राजू चंदबाजे वाला कहिंदे डौले ते टैटू खड़वाया है। लो इस वेले वेखदा भी पॉइंट जिहड़ा रेडर दे हिस्से जा जुड़ा है। राजू दी ते घुमियारे वाले मोठे की जिहड़ी जोरी है वह प्रसिद्ध मनी गई है मेरे वीरों पंजाब की धरती से। फिरोजपुर ने पहला ही मैं दस्सिया भी
पूरी दुनिया दे विच मेरे वीर सुपरस्टार खिलाड़ी पैदा किए हैं। गुरजीत तू तो सन 2007 दे टोरंटो दे वर्ल्ड कप दा बेस्ट रेडर रहा है। लाओ आप खेड मैदान दे विच देखिए शकूर वाला हरमीत कबड्डी पा रहा है ते दूसरे पासे बोनी माले वाला मेरे वीर खेड मैदान दे विच पूरी कोशिश कर रहा है जफा लाने दी ते पॉइंट जिहड़ा इस लई रेडर दे हिस्से जा जुड़े है पॉइंट टीम कोई भी एक प्लेयर उन्हां दे एंट्री वाली ट्राली कोले आवे चंदड़ दी टीम दा कोई भी एक प्लेयर लाओ खेड मैदान दे विच फिर वेखिए मेरे वीर नारा बघेले वाले दा एक पासे राजू चंदबाजे दा उमरो दी नहीं कृपाई है इस कबड्डी खिलाड़ी ने मेरे वीर दोनों खिलाड़ियों दा पूरा जोर लग्या पिया है। इधर बाबा जी स्वर्ण सिंह तरन तारण वाले दे लई कहंदे ने भी स्वर्ण सिंह तरन तारण वाले दे लई मेरे वीर जी ने बोरी चक्की है जिन्हें चकनी है जे उहदे लई होर भी कोई भी चक सकता है। यह माया के गफे बाबा जी उहदे लई है बहुत बहुत धन्यवाद साडे बाबा जी कहिंदे हजूर साहब दे विच मेरे वीर दसवें पातशाह जी की धरती ते मेरे वीर सेवा कीती है पानी दी हर साल करते हैं। उधर बाबा शिंदर सिंह जी हरदासे वाले इधर आप खेड मैदान देखिए बोनी माले वाला नौजन हरमीत शकूर वाला मेरे वीर कबड्डी पा के पॉइंट लगे वापस गया एक एक कबड्डी कहिंदे प्रिंसीपल सरवण सिंह दे कहण वांगू लख लख दी पैण वाली गल होई पई है धूड़ उड्डी पई है अज फिरोजपुर का पिंड कोट करोड़ किसी जान पहचान का मथाज नहीं दुनिया के सुपर स्टार कबड्डी खिलाड़ी मेरे वीर इस नगर ने पैदा किए हैं। पता नहीं किन्नी बार कोट करोड़ का नाम मेरे वीर हर एक दिन जो भी किसी टूरनामेंट पुजीद तो मेरे वीर पता नहीं किन्नी बार लिया जाता है। अज पहली बार इतों के दर्शकों के इतों के नगर निवासियों के दर्शन किए हैं वो दर्शन कहते कि बदौलत हो दर्शन धन धन बाबा रामदास जी ते संत महेश मुनि जी मेरे वीर उन्होंने महापुरशों की बदौलत हो उन्होंने महापुरशों की याद में इस नगर ने टूरनामेंट करवाया दो दिन का तांजू ते अज इतने पुजे हैं। लो आप खेड मैदान देखिए मेरे वीर पई हुई रेड ते वजी हुई कैंची अजमेर सिंह आलम वाले का फैसला कर रहा भी पॉइंट जिहड़ा है वह जाफी के हिस्से जा जुड़ा है पॉइंट बघेले वाले की टीम के हिस्से जा जुड़ा है। अगले मैच दीआं टीमां बिल्कुल तैयार ने उन्हां दा मुकाबला इस तों बाद खेडा जाना है ते नाल मेरी बेनती करदा मैं कसोआणा ते पुट्टू क्लब कोट करोड़ की टीम यह भी टीमां बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे विच आ जाण कसोआणा वर्सी पुट्टू क्लब कोट करोड़ यह भी नाला बघेले वाला नारा बघेले वाला हाकम मेंबर पंचायत इन्हां नूं 100 रुपया इनाम दिंदे आ नारा बघेले वाला नारा पॉइंट लग के वापस गया नारे का मान सम्मान किया गया है। लो आप खेड मैदान फिर वेखिए मेरे वीर कबड्डी जी शकूर वाले हरमीत सिंह की पै चुकी है। हरमीत कहते ने भी गोडे की सट लगन तो बाद इस खिडारी का पहला सीजन है मेरे वीर इसलिए खेड मैदान बहुत सोहना कबड्डी खिडारी कबड्डी पा रहा है शकूर पिंड वाला 18 तरीक है इस खिडारी के मान सम्मान की मेरे वीर नाइक की नीकर पाई है करमपाल सिद्धू उन्हों की टीम वालों खेडा लंडेके वाले की टीम वालों मेरे वीर लो आप खेड मैदान फिर वेखिए अगली रेड उधर दर्शक वीर एन टिके कबड्डी का स्वाद ले रहे हैं स्वाद आ रहा सारे दर्शक वीर खेड कबड्डी का माइक ओवर टू स्टेज जिन्हां दानी वीरां दे असीं ना बोलन जा रहे हैं वह आके अपने मान सम्मान प्राप्त कर लैन। सरदार नछत्तर सिंह जी साहब बंस सिंह जी इन्हां नूं बेनती है भी आके अपने जो सम्मान है प्रबंधकी कमेटी कोलों प्राप्त कर लैन। मास्टर अमनप्रीत सिंह जी साहब सुखमंदर सिंह जी हरप्रीत फौजी जी गुरमेल सिंह जी पटवारी कोट करोड़ खुरद जरनैल सिंह जी कोट करोड़ खुरद जसपाल सिंह साहब भजन सिंह हरवंश सिंह अमन जी मासी एस आई साहब नोट करो इस मैच दे विचों संत महेश मुनि जी क्लब बघेले वाले की टीम जिहड़ी जेतू रही है महेश मुनि जी क्लब बघेले वाला हुण जिहड़ा मैच शुरू होने जा रहा है खोसा रणधीर ते मेहर सिंह वाले दीआं टीमां दे दरमियान खेडा जाना है खोसा रणधीर ते मेहर सिंह वाला माइक ओवर टू स्टेज जसपाल सिंह साहब भजन सिंह सरदार प्रकाश सिंह जी इंस्पैक्टर जग्गा फोटोग्राफर पीता सिंह सनफ गुरदेव सिंह जसविंदर सिंह जसा सनफ करनैल सिंह पवित्र सिंह सनफ अंग्रेज सिंह शिकंदर सिंह सनफ बलवंत सिंह गुरप्रीत सिंह सनफ सुचा सिंह करमजीत सिंह जी कम्मा सनफ संत बाबा नाजरदास जी गुरजंत सिंह जी सबका सरपंच गुरदास सिंह जी सनफ सौदागर सिंह जी सूबेदार प्रकाश सिंह जी जोगिंदर सिंह सनफ दरवाग सिंह नछत्तर सिंह एस आई सरदार गुरजंत सिंह मुलाजम पंजाब पुलिस कृपाल सिंह जी पाल सिंह सरफ अजमेर सिंह डॉक्टर बलविंदर सिंह डॉक्टर दविंदर सिंह कुलदीप सिंह कबड्डी खिडारी कोट करोड़ खुरद
जरनैल सिंह जी एएसआई मास्टर बरमजीत सिंह जी ये सारे वीर आगे अपने मान सम्मान प्राप्त कर लेन। दविंदर सिंह सन ऑफ नैरमल सिंह दविंदर सिंह सन ऑफ नैरमल सिंह ये भी आगे अपने वीर मान सम्मान प्राप्त कर लेन। सरदार दविंदर सिंह सन ऑफ नैरमल सिंह जिथे भी हूँ जल्दी ना स्टेज पर पहुंच जाए। मेहर सिंह वाले की टीम खेतों वाली साइड पुज गई है सॉरी स्टेज वाली साइड मेहर सिंह वाले की टीम पुज गई है तो दूसरे पासे खोसा रणधीर की टीम मेरे दर्शक भी नोट कर लैन स्टेज वाली साइड मेहर सिंह वाला तो दूसरे पासे खोसा रणधीर। उधर खंडूर साहब तो पुजिया कहिंदे गुरुआं दी धरती तो दंदां दे नाल बोरी चक रहा मेरे वीरो इस वीर दा भी आपां हौसला वधाईए दंदां दे नाल चक रहा सिंह जी संगा 5100 रुपया दे योगदान पाए इन्हां ने ये भी आके अपना मान सम्मान प्राप्त कर लैण। सरदार अवतार सिंह जी साबका सरपंच मोहन सिंह जी पंचायत मैंबर सरबण सिंह जी पंचायत मैंबर पम्मी डाकिया सरदार जगमोहन सिंह जी प्रवीण कुमार आस्ट्रेलिया जी रूपी जूके रितेंद्र सिंह जी रिक्की सरूप सिंह जी फतेह सिंह जी किसान यूनियन जगेंद्र सिंह जी रोल्डू सिंह जी सरपंच स्वर्गवासी अंग्रेज सिंह का परिवार डॉक्टर जसवंत सिंह जी मकंद सिंह जी मैंबर ब्लाक समिति हरपाल सिंह जी गुरदीप सिंह जी दीपा कसोवाणा सुधाकर सिंह जी डॉक्टर प्यारा सिंह जी जसप्रीत सिंह सुखजिंदर सिंह अंग्रेज सिंह कुलदीप सिंह दीपा मनजीत सिंह ये सारे वीर आगे मान सम्मान अपने प्राप्त करते हैं। दविंदर सिंह जी बंटी सरदार करनैल सिंह जी कैशियर दर्शन सिंह जी ज्ञानी डॉक्टर सुखदेव सिंह जी करमजीत कम्मा जी जीत कोटला ये सारे वीर बेनती है भी आगे अपने मान सम्मान जो प्राप्त कर लेन। माइक ओवर टू ग्राउंड। एक पासे कहंदे टीम खोसा रणधीर दी है ते दूसरे पासे मेहर सिंह वाले दी मेरे वीरो आया नौजवान लखा मेहर सिंह वाले वाला खेड मैदान दे विच मेरे वीरो तकड़ा जफा लाउण दी कोशिश कर रहा है। चल भी नौजवान पा भी गभरू कबड्डी खेड मैदान दे विच कहंदे इस वेले गुगना कबड्डी पा रहा साधु वाला पिंड है मेरे वीरो पिछले दिन बड़ा वधिया टूरनामेंट करवाया इन्हां नौजवानों ने और आप खेड मैदान देखिए साधु वाली गुगना कबड्डी पा रहा है मालवा कबड्डी क्लब मोगा का कबड्डी खिलाड़ी तो अजमेर सिंह आलम वाली फैसला कर रहा है भी पॉइंट जाफी के हिस्से जा जुड़ा है। अगला मैच भुट्टो क्लब कोट करोड़ वर्से कसोवाने दी टीमां दे दरम्यान खेडा जाना है ये भी दोनों टीम तैयार बार तैयार होकर खेड मैदान के पुजन गिया एक पासे भुट्टो क्लब कोट करोड़ तो दूसरे पासे कसोवाना ये भी दोनों टीम बिना किसी देरी से खेड मैदान के पुजन गिया। लो खेड मैदान आप वेखिए कबड्डी जी पै चुकी मेरे वीर लख लख की कबड्डी पैनी है ये आ लखा भाव नौजवान नहीं रिसा अज कहते विशेष तौर पर मान सम्मान किया जाना लखे मेहर सिंह वाले का मेरे वीर इंटरनेशनल पद्धर का कबड्डी खिलाड़ी है तो दूसरे पासे वेखना भी पॉइंट रेडर के हिस्से जा जुड़े पॉइंट कह नौजवान रेडर के हिस्से जा जुड़े चल भी कालू पा भी कबड्डी रसूलपुरी की कहते भाज वक्री है तो खेड मैदान दुनिया दीवानी है उस कबड्डी खिलाड़ी की चाल वक्री है भाज वक्री है पर आ खिलाड़ी भी कहते कालू इस वे कबड्डी पा रहे मेरे वीर थोड़ा झुकया झुकया इस करके ने भी ईन मन गया झुकया इस करके भी कितने जाफी लत्ती ना लग जाए क्योंकि मैच बहुत तगड़ा खेडा जा रहा खेड मैदान मेरे वीर उधर जफा फिर लग चुका है तो पॉइंट जोड़ा इस वे जाफी के हिस्से जा जुड़े पॉइंट कहते खोसा रणधीर की टीम के हिस्से जा जुड़े। चल भी अमन पा भी कबड्डी नौजवान अमन इस वे कबड्डी पा रहा है उधर पंजाब की बुलंद आवाज कहते अमन लोपो जी वह भी अगले दे मुकाबलों के लिए तुहाडे रूबरू होणगे अमन लोपो वाला प्रसिद्ध कबड्डी का बुलारा मेरे वीरो कि किधर नूं जांदा पंजाब ते कहिंदे तरक्की है किधर नूं जांदा पंजाब ते कहिंदे तरक्की है उस गीत की गल भी अज इस खेड मैदान होगी पर अमन की पई हुई रेड से डीसी ने जफा ला के अपनी टीम के लिए पॉइंट जोड़ दिता है और अगली रेड गुगना साधु वाले का जो मान सम्मान दिते जाने हैं सरदार लखविंदर सिंह जी लखा ते डॉक्टर जसवंत सिंह जी ते सरदार नवतेज सिंह जी करमजीत सिंह ते पिंदा कबड्डी खिलाड़ी
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ उधर मान सम्मान किए जा रहे हैं स्टेज तो उन्होंने वीर का भी असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इधर ग्राउंड कहते मैच बहुत तगड़ा खेडा जा रहा है, एक पासे मेरे वीर खुश सर रणधीर दूसरे पासे मेहर सिंह वाले दी टीमां दे दरमियान एक एक कबड्डी स्वाह दे रही है सारी संगत को। एक पासे अशोक जैतोवाला अपने समय का महान कबड्डी खिलाड़ी, भावे छोटे भाव की गल है भावे बड़े भाव की गल है, गोरे होनी तोते होनी अपने समय के महान कबड्डी खिलाड़ी मेरे वीर किक्कर भंडारी होनी मेरे वीर सरदार लखविंदर सिंह जी लखा डॉक्टर जसवंत सिंह जी नवतेज सिंह जी ते करमजीत सिंह पिंदा कबड्डी खिडारी ये साडे सत्कारयोग वीर इत्थे पुज जाण क्योंकि इन्हां वल्लों दानी वीरां दे मान सन्मान कीते जाणे है। लखविंदर लखा जी डॉक्टर जसवंत सिंह जी नवतेज सिंह जी करमजीत सिंह जी ते पिंदा कबड्डी खिडारी पिंदा कबड्डी खिडारी ते सरदार करमजीत सिंह जी उन्होंने बेनती है भी उस स्टेज के कोल पुज जाण, उन्होंने मान सम्मान की जिहड़ी रस्म अदा करनी है। पिंदा कबड्डी खिडारी ते सरदार करमजीत सिंह जी उन्होंने बार बार बेनती है भी उस स्टेज के कोल पहुंच जाण। शिंदा इस वेले अगली रेड पाउण दे लई फिर खेड मैदान दे विच वाधा होया। उधर स्टेज तो मान सम्मान कीते जा रहे हैं। इधर ग्राउंड कहते मैच बहुत फासमा चल रहा है खेड मैदान मेरे वीर शिंदा, उधर डीसी मेहर सिंह वाले का अशोक कुमार जैतोवाला फैसला कर रहा है। जैतो मोर्चियां की धरती है, गुरुआ पीर फकीर की धरती है, दीपक जैतोई की धरती। जैतो मेरे वीर किसी जान पहचान की मोहताज नहीं, उतों का नौजवान अशोक कुमार फैसला कर रहा है। स्टेज को बेनती है कि होर ओपन की टीम एंटर कर स्टेज को बेनती अगे तो चलो जी कराओ शुरू। उधर कबड्डी ओपन टीमां दी एंट्री है जिहड़ी बिल्कुल बंद कर दिती है। साडे खिडारी वीर नोट कर लैण कोई भी कबड्डी ओपन की टीम जिहड़ी एंटर होण दे लई ना पुजे ताकि जिहड़े मैच जिहड़ियां टीमां एंटर होईयां ने उहनां नूं वधिया टाइम दे के जिहड़ा मुकाबला करवाया जा सके। लो खेड मैदान दे विच कालू धुस दे के पड़ लै के वापस गया अपनी टीम दे लई। असीं कुछ बंदिआं नूं सन्मानित करना, उह अपना नाम लै लैण। सर बिकर सिंह संघा, अवतार सिंह साबका सरपंच, मोहन सिंह पंचायत मैंबर, सरबण सिंह पंचायत मैंबर, पम्मी डागिया जी हो गए, जगमोहन सिंह एक्सीएन, प्रवीण कुमार आस्ट्रेलिया, ये बंदे जे हाजिर स्टेज पर बैठे आप अगों आ गए क्लब तो अपना नाम सम्मान ले लें। दोबारा फिर बोल दिना मैं, बिकर सिंह संघा, अवतार सिंह साबका सरपंच, मोहन सिंह पंचायत मैंबर, सरबण सिंह पंचायत मैंबर, पम्मी डागिया, जगमोहन सिंह एक्सीएन, प्रवीण कुमार आस्ट्रेलिया, डॉक्टर प्यारा सिंह, बलदेव सिंह, सुखदेव सिंह सानो ये चले रहे हैं, डॉक्टर प्यारा सिंह। टाइया जिहड़ियां कढ़ियां जा रही हैं सारी संगत के सामने कढ़ियां जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी महकमा जगिंदर साहब जगिंदर सिंह भी अपना नाम ले ले जगशीर सिंह सीरा सीनियर लीडर भी अपना नाम ले लैन। सर सपूर्ण सिंह साबका सरपंच आप हो मैंबर हो लै लैन। सरबजीत सिंह राजू पंचायत मैंबर यह भी अपना ले लैन भाई जी। गुरजीत सिंह गीतू
बस इतों जिन्हों के मैं नाम बोलिया वीर बन के अगे आके आप अपना नाम हासिल कर लैन ता कि हौली हौली आप अपने काम के एंड वाले पास में चलीए वीरपाल जे कि आवाज सुनता हो डैडी तो स्टेज पर बुला यार वीरपाल लखा खेड मैदान फिर तकड़ा जफा लाने की कोशिश कर रहा नौजवान पढ़िया हुआ लक के पॉइंट जो इस वे जाफी के हिस्से जा जुड़े है पॉइंट लखे मेहर सिंह वाले के हिस्से जा जुड़े है बहुत वधिया मुकाबला होया साढ़े दस पॉइंट मेहर सिंह वाला ते आठ पॉइंट खोसा रणधीर की टीम के इस मुकाबले दे विचों मेहर सिंह वाले की टीम नोट करो एस आई साहब जेतू रही है इधर साढ़े वीर मनप्रीत होनी भी नोट कर लैन इस मुकाबले दे विचों मेहर सिंह वाले की टीम जी जेतू रही है अगला मैच कसोवाणा ते पुट्टो क्लब कोट करोड़ दी टीमों के दरमियान खेडा जाना है कसोवाणा बब ते दूसरे पासे पुट्टो क्लब कोट करोड़ दी टीमों के दरमियान मेरे वीर मैच खेडा जाना है रज्जी वाला ते बाबा रामदास क्लब कोट करोड़ यह भी दोनों टीम जिहड़ियां तैयार बर तैयार रहन रज्जी वाला वर्सिज रामदास क्लब कोट करोड़ मैच कहते हैं भी कोट करोड़ की टीम का खेडा जाना है और एक टीम जी मेरा ख्याल है भी बाबा रामदास क्लब की जी खेड मैदान पुज गई है सॉरी पुट्टो क्लब की जी पहुंच चुकी है तो दूसरे पासे मेरी बेनती कसोवाणी की टीम कसोवाणा कहते पहलवान सुधाकर सिंह का पिंड है किसी जान पहचान का मुहताज नहीं जिन्हें दारा सिंह के नाल भी कुश्तियां लड़िया है आओ आप खेड मैदान कबड्डी की गल करिए क्योंकि कुश्ती कबड्डी का मेरे वीरों आपस में बहुत कंपैरिजन है लो आप खेड मैदान देखिए कोट करोड़ वर्सिज कसोवाणे दी टीमों के दरमियान मैच शुरू होने जा रहे हैं चालू हो रहे मैच अपने कराओ शुरू मैच टाइम की कदर करो रेफरी साहबान टाइम की बाई जी कदर करो टाइम अपने को बहुत घट आ टीम बहुत ज्यादा फिर जो आप इन्हों तीन तीन मिनट देंगे हमने माड़ा जा कदर करो टाइम की पुट्टो क्लब कोट करोड़ की टीम इधर खेतों वाली साइड पुज गई है और दूसरे पासे कहते कसोवाणे की टीम मेरे वीरों खेड मैदान पुज गई है
पहली कबड्डी आया खिडारी जोधा मेरे वीरो खेड मैदान देखिए कोट करोड़ की टीम वालों भुट्टो कबड्डी क्लब वालों मेरे कबड्डी पा रहा है ला भी जोधा हूं देखना भी बुइया वाले का बलदेव सिंह तेन जफा ला पाँगा कि नहीं पॉइंट जोड़ा मेरे वीरों कोट करोड़ की टीम के हिस्से जा जुड़िया ताड़िया बजिया ताड़िया कि बजिया ताड़िया मेरे वीरों इस नौजवान की गेम के लिए बजिया ताड़िया कोट करोड़ की टीम के लिए बजिया चार जाफी चारा जाफिया एक पासे नौजवान अवतार सिंह है अवतार सिंह की पूरी कोशिश है मेरे वीरों जफा लाने की दूसरे पासे आप देखिए सीपा नौजवान बहुत सोहनी कबड्डी पा रहा है एक पासे अवतार है तो दूसरे पासे सीपा मुकाबला जोड़ा सख्त हो चुका है पॉइंट जोड़ा मेरे वीरों रेडर के हिस्से जा जुड़िया पॉइंट नौजवान रेडर के हिस्से जा जुड़िया जस्सा मुदगी वाला कबड्डी पाने के लिए खेड मैदान वध्या इधर कहते मंदिर कोट करोड़ वाला कहते गीता कोट करोड़ वाला अपने समय के महान कबड्डी खिडारी अज भावें समा हो रहा है पर फिर भी मेरे वीर पिंड टूरनामेंट हो रहा कहते खेडना जरूर है पर जस्सा मुदगी वाला पॉइंट लगे वापस गया मुदगी मेरे वीर किसी जान पहचान का मुथाज नहीं शहीदों की धरती है गुरुआ की धरती है तो दूसरे पासे साधा माली आ इस नौजवान लखी कहते हैं शरीर फिट है हूँ कोट करोड़िया लोधी कप वांगू जा जफा ला पाऊ कि नहीं गीता मेरे वीरों प्रेस का बड़ा मार है तो पॉइंट जो देखना भी नौजवान लखी साधा वाली है मेरे वीरों अपनी टीम के लिए पॉइंट जोड़ता हुआ मुंडा तारा जिन्हें जफे लाऊगा उन्ने 100 रुपये जस्से अलों जस्से आठ गलों उन्ने 100 रुपये जिन्हें जफे लाऊगा चल भी जोधा पा भी कबड्डी नौजवान है जोधा कबड्डी पा रहा मेरे वीरों के बिगल वजिया कूचता हुक्म होया चढ़े सूरमे सिंह दलेर मियाँ निकले पुत सरदारा दे शैल बांके जिमें बेलो निकलते शेर मियाँ जिमें बेलो निकलते शेर मियाँ आने वाले समय का योधा कहते स्टार होना है जे तुसी इस गल नूं मानते हैं तो एक बार ताड़ी मार के दस दो इस कबड्डी खिडारी के लिए माण वधा दी आपां इस कबड्डी के खिडारी का मेरे वीरो योधा बहुत सोहनी कबड्डी पा के वापस गया तो अगली रेड फिर जंटा कबड्डी पा रहा मेरे वीरों उधर सोनी है कहते लल्ले पिंड है भावे इस नौजवान नौ गभरू इस नगर के लिए लंबा समा होया खेडते सोनी गीता मेरे वीरों मंदर होनी इस नगर के महान कबड्डी खिडारी है समय समय की गल है लो आप खेड मैदान फिर वेखिए सोनी 100 रुपया डॉक्टर वालों 100 रुपया गुरजीत पीपी वालों 100 रुपया बलकार सिंह नंबरदार वालों वीरपाल वालों सोनी 200 रुपया वो आके स्टेज तो वीरपाल वालों 200 रुपया क्यों नहीं गल चली आधार कोई नहीं जिन्हें अनाउंसमेंट कराई पैसे दे के जाओ डॉक्टर साहब 100 रुपया दो आधार नहीं उन्हें मेरे को आना उधर कहते जिन्हें सोनी जफे लाऊ सरदार सुखचैन सिंह जी सरपाल साहब कहते हैं आप हर एक जफे का 100 दे नाल मान करांगे जिन्हें जफे तारा सिंह लाऊ उन्हें जफे जसाड़ दिया दो बल्ले बल्ले होगी मित्रो मार दो ताड़िया कहते स्वाद आ गया मेरे वीरों अवतार सिंह तारा आखदे इस खिडारी जफा लाने की कोशिश कर रहा है लै भी नौजवान जफा भावे नहीं लग्या पर स्वाद आ गया कैंची पाई दा लो अगली रेड खेड मैदान इधर बराड़ साहब साढ़े हरी के कलम वाले वह भी मेरे वीरों अपन सेवावान जिहड़ियां इस माइक तो इस मैच के दे रहे हैं अंपायरिंग दी बहुत बहुत धन्यवाद है लो अगली रेड खेड मैदान आप फिर वेखिए कबड्डी जी पै चुकी है जोधे की लै भी जोधा सन्मान हो गए अज इस वे फिर वेख भी मान सम्मान सब तो बड़ी ताड़ी है सरदार सुखचैन सिंह जी सरपंच साहब कहते हैं भी सोनी जिन्हें जफे लाऊ हर एक जफे का माण कहते आप मेरे वीरों 100 दे नाल करांगे उधर गीता कोट करोड़ वाला कहते नैशनल का मेरे वीरों नैशनल में गोल्ड मैडल मेरे वीरों कबड्डी खिडारी लोधी कप का बेस्ट जाफी तो इधर अवतार सिंह सच्ची बोली बोलता भी पॉइंट जोड़ा रेडर के हिस्से जा जुड़िया 23, 24 ते 25 जी तरीक है वह ढीमा वाली दे कबड्डी कप की है दो कप हो रहे हैं एक 26, 27, 28 एक 23, 24, 25 मेरे वीर दोनों कपां दे आप सब नूं सदा हुम हमा के पुजना है लो खेड मैदान दे विच आप वेखिए जस्सा मुदगी वाला कबड्डी पा रहा है मेरा ख्याल है भी अज मान सम्मान भी होणगे इस कबड्डी खिडारी दे मेरे वीर ते पॉइंट जिहड़ा इस वेले रेडर दे हिस्से जा जुड़िया अमन लोपो जी अगले मुकाबले दे लई इस मैच दी कोट करोड़ दी टीम जितदी है उहनूं हरजिंदर सिंह ते कुलदीप सिंह कैनेडियन लो 500 रुपया इनाम दा जे उह टीम जितूगी तां उहनूं 500 रुपया हरजिंदर सिंह कैनेडियन ते कुलदीप सिंह कैनेडियन वालों दिता जाऊगा इधर लखी कबड्डी पा रहा है लै भी मनप्रीत सिंह लै भी भिंदिया है तुसीं भी कबड्डी खेडी है पर अज समा होर है और अज कबीलदारी की गल है कहिंदे घर दे काम कार जिहड़े है उह बंदे नूं कई बारी गेम छड्डणी पै जांदी मेरे वीरो लो आपां खेड मैदान दे विच देखिए लखी साधा वाली कबड्डी पा रहा है लखी ज्ञानी आखदा कोई कोई साधा वाली आखदा मुंडे ने शरीर बड़ा फिट रख्या है पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जुड़दा होया उधर भिंदे का अज कहिंदे विशेष तौर पर मान सम्मान किया जाना है
कबड्डी के खिडारियों का, चाहे सोनी कोट करोड़ की गल है, उन्होंने खिडारियों का भी विशेष तौर पर मान सम्मान इसे पिंड के नगर के पुराने कबड्डी खिडारियों का विशेष तौर पर मान सम्मान किया जाना है। लो खेड मैदान के आप देखिए जोधा कबड्डी पा के वापस गया, जोधा दर्शक वीर का प्यार कबूल रहा है, सत्कार कबूल रहा है। गल कबड्डी की है प्लेयर की, पुराने अज के कबड्डी प्लेयर च बहुत फर्क आ, अजकल के प्लेयर पैसे जुत्तियां को वजदे पर संभाल नहीं सकते, ये अपना शरीर तो उन्ने पैसे का नशा वरतते हैं पर फायदा कोई नहीं। पुराने प्लेयर सिर्फ एक बनैन मिलती सी, दो दो साल वो चौड़ा होकर तुरद मैं फलाने पिंडों बनैन मिली है, कितना फर्क अजक पर। उधर जगतार कोट करोड़ के लिए कहते गगू लवलान वालों 100 रुपया आया कोट करोड़ वाला गीता मेरे वीर पिछले दिन ही बुलेट मिलया, 12 तरीक नूं कहिंदे गुरज दे नाल मान सम्मान किया जाना इस कबड्डी खिडारी का, गीता कोट करोड़ वाला अपनी टीम के लिए जफा ला रहा है। उधर अगली रेड जी नौजवान जस्सा मोदकी वाल गगू लवलान जी कहिंदे 100 रुपया गीते कोट करोड़ वाले के लिए मान सम्मान कर रहे हैं, गगू लवलान जी 100 रुपया गीते कोट करोड़ के लिए। एएसआई साहब कहिंदे भी 100 रुपया गीते नूं भाई 100 रुपया गीता जांदा मैथों लै जे लो खेड मैदान लखी मेरे वीर साहबां वाली कबड्डी पा रहा मेरे को इकट्ठे हो पॉइंट लो दबके लखी साहबा वाली आ, एक पासे सोनी है, सोनी सनेतरे कहते सब तो महंगा जफा लाया कबड्डी के इतिहास के मेरे वीर एक दिन के सॉरी 3 जफ्फिया कहते 2.5 लाख रुपया कमाया, तो इधर पॉइंट सोनी लल्लिया वाले का सुचैन सिंह जी सरपंच साहब साढ़े 100 रुपये का मान सम्मान कर रहे हैं। नहीं रैफरी नहीं लड़ना, जो रैफरी फैसला वह टल मना जाऊगा वीर, रैफरी ना पाउल जरानी का कोई गल नहीं, अगली बार पॉइंट ले लो, बिल्कुल रैफरी जो पॉइंट देता सही है, रैफरी मनना कहना हाँ। चलता हुआ मैच समाप्त हो चुका है, इस मैच दे विचों कहिंदे कसोवाने दे पॉइंट ने 6 ते 10.5 पॉइंट ने पुट्टो क्लब कोट करोड़ की टीम दे, इस मुकाबले दे विचों कोट करोड़ की टीम जिहड़ी जीतू रही है, एक जोरदार ताड़ियां वजियां। अमन लोपो जी अगले मैच दे लई रनिंग क्लब नूं भी पैसे होर आया फिड्डियां वाले वीर सिंह सरपंच पिंड फिड्डियां वाला वो 1100 रुपया क्लब नूं दिंदे, मैं क्लब नूं कहूंगा सोनी एंट्री वाली स्टेज तो 200 रुपया लै जांदे सोनी वाले मेरे कोल आउण 1100 रुपया सरपंच फिड्डे 1100 रुपया फिड्डियां ने सरपंच उहनां दा नाम वीर सिंह असीं इहनां नूं जीआया कहिंदे आ जी इत्थे हां गीता आपदे पैसे लै जी दूजा मुंडा जाके पैसे लै जी नहीं मेरे को सोनी दे नहीं आए मेरे को गीते दे जिते कि 500 रुपये का थोड़ा साझा कैनेडियन परिवार रजी वाला बाबा रामदास क्लब कोट करोड़ कला गीते दा दो तारे दे ठीक तीन मुंडा सोनी लै गया मनप्रीत सिंह जी मेला मडीला तो कहते हैं भी लाइव कबड्डी वन दे नाल पंजाब लाइव वन दे नाल जिहड़ा जुड़ के इन्हां मैचों का आनंद मा रहे हैं मनप्रीत सिंह जी मनीला तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सोनी अपना 200 रुपया एंट्री वाली स्टेज तो लै जे आ गया अगले मैच दी मैं जल्दी वीर बन के स्टार्ट करा दिया करो टाइम की कदर करो मैं रैफरी साहिबां नूं बेनती करदा मैं जल्दी रज्जी वाला ते कोट करोड़ बाबा रामदास क्लब प्रबंधकां नूं बेनती है कि ग्राउंड च पानी ते चाह भेज दिया करो बाबा रामदास क्लब कोट करोड़ पहुंच गई जी बाबा रामदास क्लब नूं ही कट दो रज्जी वाला नूं वॉकआउट दे दो बाबा हरी सिंह क्लब तलवंडी भाई ते इकबाल क्लब गालम दी टीम जल्दी दे नाल बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे विच आ जाए बाबा हरी सिंह क्लब तलवंडी भाई ते इकबाल क्लब गालम हां मैच स्टार्ट कराओ जी केड़ी टीम नहीं आई बाबा हरी सिंह जी क्लब तलवंडी भाई ते इकबाल क्लब गालम दी टीम बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे विच आ जाए इन्हां टीमां दा मुकाबला जिहड़ा हुण करवाया जाना है क्योंकि रज्जी वाले की टीम वाक ओवर दिता गया बाबा रामदास क्लब की टीम जी कोट करोड़ की वो नहीं आ रही रज्जी वाले वाक ओवर देता जी हाँ जी वाक ओवर दे दियो बाबा हरी सिंह जी क्लब तलवंडी भाई ते इकबाल क्लब गालब
इकबाल क्लब गालब ते तलवंडी भाई बाबा हरी सिंह क्लब ये बिना किसी देरी ते टीम ग्राउंड दे विच आ जान। बाबा हरी सिंह जी क्लब तलवंडी भाई ते इकबाल क्लब गालब असीं इहनां दा धन्नवाद करदे आं। ਫਿੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਕਲੱਬ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਮਾ ਪ੍ਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰੋ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 10-10, 15-15 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਕਲੱਬ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਾਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਨਾਊਂਸਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਫਲ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਾਲੀ ਬੂਟੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਲਾਂਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ ਅਮਨ ਲੋਪੋ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡਗਰੂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡਗਰੂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡਗਰੂ ਸੁਨੇਹਰ ਵਰਸੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਲਬ ਕਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀ ਆਣਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ। ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈਲੋ ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਚ ਜਲਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਹ ਧਰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਵਰਸ ਡਗਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਵਰਸ ਡਗਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਵਰਸ ਡਗਰੂ। ਇਹ ਧਰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਏ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਗਰ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਕਲੱਬ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਸੁਨੇਹਰ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ ਹਰਦਾਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾਣ। ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਸੁਨੇਹਰ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾਣ। ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਸੁਨੇਹਰ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੇ ਮਿਸ ਕਰ ਜੇ
ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਜੇ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਮਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਵਰਸੇ ਡਗਰੂ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ 1-5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੀਕਣਾ ਹੈਗਾ। 5 ਸਕਿੰਟ ਡੀਕਣਾ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਗਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਗਰੂ ਸੁਨੀਰ ਤੇ ਰੂੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ, ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸੁਨੀਰ, ਚੂੜ ਚੱਕ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ, ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਗਰੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡਗਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਵਰਸੇ ਡਗਰੂ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਡੀਕੋ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਗਰੂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਗਰੂ ਸੁਨੀਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ, ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸੁਨੀਰ, ਚੂੜ ਚੱਕ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡਗਰੂ ਆ ਗਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡਗਰੂ, ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਡਗਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਕਲੱਬ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵਾਕ ਓਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕਲੱਬ ਗਾਲਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਜੇਤੂ, ਹਾਂ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਨੀਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਲੇਅਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਦਰ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਦਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੁਨੀਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਡਗਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਡਗਰੂ, ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਗਰਾਊਂਡ, ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਡਗਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਸੁਨੀਰ ਵਰਸੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੁਨੀਰ ਵਰਸੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਗਰੂ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੁਨੀਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ, ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸੁਨੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਆ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸੁਨੀਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ, ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸੁਨੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਚੂੜ ਚੱਕ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਫਿਰਦਾ
तो माड़ा जहाँ तो सख्ती करो वो बाहर आ जो लड़ता लड़ी जाए तो लोगों का मन मन लून बदा पैना वजह ही लो इसलिए गुलामी वाले की टीम की तरफों कहते भी नौजवान राणा कबड्डी पाने के लिए वध्या होया कि जिवें भरदे ने पंछी उड़ारी असमाना विच उवें भरदे खिडारी ने उड़ारी मैदानां विच परखे जाने ने जोर जवानां विच अज सारिआं दे सामने चन्न वांगू चमकूगा किहड़ा अज तारिआं दे सामने अज दुनिया भर के महान कबड्डी खिडारी कहिंदे कोट करोड़ दीआं खेड ग्राउंडां विच पुज्जे है बब्बू दे नां दे नाल जाणिआ जांदा खिडारी इसलिए डगरू की टीम वालों कबड्डी पा रहा है तो सामने गुलामी वाला पिंड कहते रूपे ने मशहूर कर दिता उस पिंड का जाफी पूरी ट्राई करता तो सफलता धावी के कदम चुम रही है हैलो अमनवीर टीम अनाउंस कर एक बारी आप मान सम्मान बोलने हैं सनेर ते रोड़ी कपूरा इन्हां टीमां दे दरम्यान अगला मैच होना है गालव कला ते बाबा नामदास क्लब जंगियाणा हरदासा ते शोषक शंकरापुरी क्लब साधु वाला ते हरगोबिंद क्लब सनेरे सारियां टीमां पहुंचण हैलो साढ़े बहुत ही सत्कार जोग रूपी जूके उन्होंने वालों पूरे 5000 रुपए की वड्डी राशि पूजी आ वो अपना मान सम्मान प्राप्त करना उन्हों का परिवार का कोई मैंबर रूपी जूके उस वीर का धन्यवाद वो अपना मान सम्मान स्टेज तो प्राप्त कर जी इधर मनप्रीत सुखप्रीत फिरोजपुर तो इन्होंने वालों मोटरसाइकिल से शो दिखाया जाना है इन्होंने वीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है स्वर्गवासी सुरजन सिंह स्वर्गवासी चंद सिंह जी मार्केट कमेटी के मैंबर उन्होंने परिवार की तरफों सैकेंड प्राइज जिथे दिता जा रहा 41,000 रुपये का उत्थे फर्स्ट ते सैकेंड आने वाली टीमों नूं कप दे के विशेष तौर पर मान सम्मान दिते जाने हैं सरदार गुरदेव सिंह जी सरदार कृपाल सिंह जी मैंबर सरदार निहाल सिंह जी ते सरदार सुखदेव सिंह जी मैंबर भिंदे कबड्डी खिडारी का भी विशेष तौर पर कप दे के स्वर्गवासी सुरजन सिंह के परिवार वालों मान सम्मान किया जाना है कबड्डी ओपन के अगले मैच टीमां सनेर ते रोड़ी कपूरा गालव कलां ते बाबा हरनामदास क्लब जंगियाणा ये टीमों के प्लेयर जल्दी ना खेड मैदान पुजन हरदासा ते शोषक दीआं टीमों के प्लेयर भी जल्दी ना खेड मैदान पुजन हैलो रतिंदर सिंह जी रिक्की स्पाइटर फूड सप्लाई उन्होंने वालों पूरा 5000 रुपये दिता गया वो अपना मान सम्मान स्टेज तो प्राप्त करना रतिंदर सिंह जी रिक्की साहब इंस्पैक्टर फूड सप्लाई वाले वीर उन्हों का परिवार का कोई मैंबर हो भी स्टेज तो मान सम्मान प्राप्त कर सरदार सरूप सिंह जी उन्होंने वालों भी वाडी राशि पुजी आ वह भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर मैको बटू ग्राउंड जी इसलिए पई हुई कबड्डी इस नौजवान की हर सामने लगता हुआ जफा चैना लवलान वाला साडा वीर आखदा भी जे डगरू की टीम विनर होगी तो 500 रुपये के मान सम्मान दिए जाएंगे लाओ इसलिए पई हुई कबड्डी कहते भी नौजवान बब्बू की डगरू की टीम की तरफ चार जाफी बिल्कुल तैयार ने हैलो फतेह सिंह जी किसान जुड़ी वाले वीर वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर फतेह सिंह जी किसान जुड़ियन जोगिंदर सिंह जी मकांत सिंह जी करमीती वाले मैंबर ब्लाक समिति वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर मकांत सिंह जी करमीती वाले गुरदीप सिंह जी दीपा कसोवाणा वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर अवतार सिंह जी सबका सरपंच वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर स्टेज तो बेकर सिंह जी संघा वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर दानी सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद सुखजिंदर सिंह जी वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर डेयरी वाले वीर अंग्रेज सिंह जी वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त कर उधर ग्राउंड के नाल भी जुड़ना जरूरी है मैं कोटू आवन जी
ਸਨੇਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੰਕਰ ਅਵਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸਨੇਰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਣ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਆ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਹੈ ਸਨੇਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਹੈਲੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਗਲੀ ਮੈਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਲੋਪ ਸਨੇਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸਨੇਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ 71,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟੀਮ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਨੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸਨੇਰ ਚੂੜ ਚੱਕ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆ ਜਾਣ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਨੇਰ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਨ ਸੋਨਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਨੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਓ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਮੈਚ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਨ ਗਬਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੌਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲਓ ਲੱਖੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਕਿ ਮਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੈਂਚੀ ਰੇਡਰ ਸੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾੜੇ ਤੇ ਲਓ ਬਿੰਦੂ ਨੌਜਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਹਰਦਾਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਸਨੇਰ ਚੂੜ ਚੱਕ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਫਿੱਡੇ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਿੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ